नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के कार्ड डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट को कैसे देखते हैं एंड देखने के बाद इसका पिन कैसे बनाते हैं, पिन बनाने के बाद इसे यूपीआई एप्लीकेशन लाइक पेटीएम फोनपे में ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के बाद यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लाइव प्रोसेस जाने वाले हैं। तो बने आप इस वीडियो के एंड तक, तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले एचडीएफसी माई कार्ड के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो फिलहाल मैं पहले इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो फिर से सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है एचडीएफसी माई कार्ड पोर्टल से। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन करना है। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में एचडीएफसी माई कार्ड टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है, mycards.htfc.com। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से विजिट कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है एचडीएफसी माई कार्ड पोर्टल का, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है। उसके बाद से आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी गया होगा, उससे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, ओटीपी एंटर करें, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे वो सभी क्रेडिट कार्ड यहाँ शो करेंगे। तो आपको यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेश होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट हम लोग कार्ड डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट को देखेंगे। उसके बाद से यूपीआई रुपए कार्ड का पिन बनाएंगे। उसके बाद इसे पेटीएम लाइक यूपीआई एप्लीकेशन पेटीएम फोनपे में कैसे ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं वो सब हम जानेंगे। ओके, तो पहले कार्ड डिटेल्स देखने के लिए आपको यहाँ कार्ड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ आपको प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है यानी ऑलरेडी आप कस्टमर है, तो आप नेट बैंकिंग या जो एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। या आपके पास ओनली एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसके भी यहाँ पर आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिला है, उसके थ्रू आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके डिटेल्स को एंटर करके और लॉग इन टू वेरीफाई कर लेना। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आपके रजिस्टर फोन नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, तो यहाँ अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट और इस आई के आइकन पर क्लिक करके आप सीवीवी नंबर देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट और यहाँ सीवीवी नंबर देख सकते हैं। इसे आपको तुरंत नोट कर लेना है, ये बाद में यहाँ हाइड हो जाता है। ओके, तो ये नोट करने के बाद नेक्स्ट आपको पिन बनाना है यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को। तो इसके लिए आपको यहाँ सेट पिन के सेक्शन में आना है। सेट पिन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ आपको न्यू पिन 4 डिजिट का एंटर करना है जो आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद से आपको पिन को री एंटर करना है। उसके बाद एक्सपायर डेट को एंटर करना है जो अभी आप कार्ड डिटेल्स देखें। उसके बाद से भी एंटर करना है। उसके बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड का एटीएम पिन आप बना सकते हैं, यूपीआई पिन नहीं। यहाँ एटीएम पिन पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको पेटीएम फोनपे एप्लीकेशन में आपको यूपीआई पिन बनाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आपको पिन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पिन बना सकते हैं। यहाँ डिटेल्स को एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको 4 डिजिट पिन सेट कर लें। तो इस तरह से आपका पिन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड का यूपीआई क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायर डेट पता हो चुका है। नेक्स्ट आपका आपका एटीएम पिन भी यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बन चुका है। अब नेक्स्ट आपको इसी पेटीएम फोनपे एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इसे यहाँ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको इसे लॉग आउट कर देना है। तो फ्रेंड्स, लॉग आउट हो चुका है। उसके बाद से आपको अपने डिवाइस में पेटीएम या जो भी आपका एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ आपको टॉप में इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल के आइकन पर। उसके बाद से आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको एड रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपका जो भी बैंक है उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से फेच कराया तो आपको वेट करना है। उसके बाद से यहाँ आपको जो भी आपका यूपीआई क्रेडिट कार्ड होगा वो ऑलरेडी यहाँ लिंक हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको पिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको रीसेट यूपीआई पिन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी पिन बना चुका हूँ इसलिए यहाँ रीसेट करने का ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ आपको लास्ट 6 डिजिट अपने क्रेडिट कार्ड का एंटर करना है। उसके बाद एक्सपायर डेट एंटर करना है। उसके बाद से प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद नेक्स्ट आप 4 डिजिट यूपीआई पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं। यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद आप जो भी पेमेंट करेंगे, तो अगर आपका मर्चेंट अकाउंट होगा जिसे आप स्कैन कर रहे हैं, तो वहाँ आपका यूपीआई क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसे सिलेक्ट करके आप पिन को एंटर करके आप एचडीएफसी यूपीआई रुपए क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपे कार्ड के कार्ड डिटेल्स को देख सकते हैं, एटीएम पिन बना सकते हैं, एटीएम पिन बनाने के बाद उसे यूपीआई एप्लीकेशन लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में ऐड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हुआ और वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं किस अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।